जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको देश और विदेश में बहुत ही ज़्यादा फेमस मैहर आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप माता रानी के दरबार मैहर कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, आप यहाँ पर और कौन कौन से प्रमुख स्थानों पर घूम सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बजट की, कम से कम कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकेंगे। तो एक बार पूरा वीडियो जरूर देखें जिससे मैहर देवी यात्रा और दर्शन की संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए आज मेरे साथ दोस्तों, माँ शारदा का ये अलौकिक धाम मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में त्रिकूट पर्वत की चोटी पर स्थापित है। पूरे साल करोड़ों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, यहां तक आने का सबसे अच्छा तरीका रहता है ट्रेन का। मैहर में ही यहां का वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बना हुआ है। सभी प्रमुख स्टेशनों से यहां तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। आप ट्रेन के माध्यम से बहुत ही आराम से यहां तक आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की रहती है। रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो मिल जाएंगे जिसमें 20 रुपये का चार्ज देके आप आराम से मंदिर के पास तक पहुंच सकते हैं। वहीं आप इस यात्रा को बस के द्वारा पूरा करना चाहते हैं तो आसपास के शहरों से यहां तक के लिए आप बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। मंदिर मार्ग पर ही यहां का बस स्टैंड बना हुआ है। मात्र 10 रुपये का किराया देकर ऑटो से आप मंदिर के पास तक पहुँच जाएंगे। वहीं बात करें फ्लाइट की, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट खजुराहो में है, जो यहाँ से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खजुराहो तक आने के बाद में आप बस या टैक्सी के माध्यम से मैहर तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी प्राइवेट कार से यहाँ तक आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका रहता है। कार से आने पर आपको यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। आप आराम से अपनी गाड़ी को पार्किंग में पार्क कर सकते हैं, या आप जिस होटल में रुक रहे हैं वहाँ पर भी आपको पार्किंग फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, या आप चाहें तो अपनी गाड़ी से एकदम मंदिर की स्टार्टिंग तक आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सी प्रसाद की दुकानें हैं, उन्हीं दुकानों के सामने आप अपनी गाड़ी को पार्क कर दीजिए, लेकिन आपको प्रसाद इन्हीं दुकानों से लेना होता है। आप रोपवे के पास में आकर अपनी गाड़ी को पार्क कर दीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका रहता है। मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं और इन्हीं दुकानों से आप प्रसाद भी ले लीजिए। लेकिन अगर आप नवरात्रि के टाइम पर आ रहे हैं तो जहाँ पर भी आपको पार्किंग स्टैंड मिल जाए वहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क कर दीजिए, क्योंकि नवरात्रि में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो शायद आपको रोपवे के पास में गाड़ी खड़ी करने की जगह ना मिले। दोस्तों, मैंने अपना ये सफ़र ट्रेन से पूरा किया था, तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं मैहर रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ऑटो लेकर अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर के पास में। तो आप कोशिश करिए कि ऑटो के माध्यम से मंदिर के पास तक आ जाइए। यहाँ पर बहुत से सुलभ कॉम्प्लेक्स भी बने हुए हैं जहाँ पर आप आराम से स्नान भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप किसी भी दुकान से प्रसाद ले लीजिए। यहाँ पर नॉर्मल प्रसाद 50 से 100 रुपये का दिया जाता है। साथ ही साथ आप अपना बैग और जूता चप्पल भी यहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। आप भी इसी तरीके से स्नान करने के बाद में माता रानी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आपको यहाँ पर होटल कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप स्टेशन के बाहर ही रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर भी बहुत से यात्री निवास, लॉज और होटल बने हुए हैं, जहाँ पर मात्र 500 रुपये से लेकर 2000 तक में आपको बहुत ही अच्छा रूम मिल जाता है। वहीं मंदिर मार्ग पर भी आपको बहुत से अच्छे अच्छे होटल और यात्री निवास मिल जाएंगे। आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग रात या सुबह वाली ट्रेन से आते हैं। मंदिर के पास में ही बहुत से सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेवा मिलती है। स्नान करने के बाद में फिर जहाँ से प्रसाद लेते हैं वहाँ पर अपना बैग और जूता चप्पल जमा कर देते हैं, फिर उसके बाद में आराम से माता रानी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप मंदिर के पास तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप सीढ़ियों से चले जाइए। यहाँ पर आपको 1063 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर के पास तक पहुँचना रहता है। तो आप अगर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो आप सीढ़ियों से जा सकते हैं। वहीं मंदिर तक के लिए सड़क मार्ग भी बना हुआ है, जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की नॉर्मल चढ़ाई करनी रहती है। फिर उसके बाद में आपको मात्र 151 सीढ़ियाँ चढ़कर
मंदिर के पास तक पहुंचना रहता है। वहीं आप इस दूरी को गाड़ी के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपसे 150 से 200 रुपए का चार्ज लिया जाता है। गाड़ी वाले आपको सीढ़ियों के पास में ड्रॉप कर देते हैं, फिर आप 151 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यहां पर आपको रोप वे फैसिलिटी भी मिल जाती है। रोप वे में आपसे 150 रुपए का चार्ज लिया जाता है। ये चार्ज दोनों साइड के लिए रहता है। अगर आप एक साइड ही जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 150 रुपए का ही टिकट लेना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक साइड का कोई अलग से टिकट नहीं मिलता है। दोस्तों, रोप वे से आप पूरे ही मैहर को देख सकते हैं, जिसके नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खास रहते हैं। तो आप रोप वे का बहुत ही खूबसूरत सफ़र करके मंदिर के पास तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए, माता रानी का नाम लेके अब हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के पास में। दोस्तों, इस मंदिर की विशेष मान्यताएँ हैं। यहाँ पर दर्शन करने से आप किसी को भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो चलिए, परिसर में कुछ देर बैठने के बाद में अब हम लोग अपनी वापसी की यात्रा शुरू करेंगे और अब हम लोग आ जाएंगे नीचे। तो चलिए, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर मात्र 60 रुपए से 150 रुपए में आप थाली भोजन कर सकते हैं। वहीं अगर आप बहुत ही अच्छे भंडारे में भोजन करना चाहते हैं तो रोपवे के सामने माँ शारदा अन्नकूट ट्रस्ट का भंडारा चलता है, जहाँ पर मात्र 15 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। भंडारे में आपको पूरी सब्जी, दाल चावल दिया जाता है। बहुत से लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आप आराम से बैठकर इस प्रसाद को ग्रहण करिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट प्रसाद रहता है। दोस्तों, आप अगर बहुत ही सस्ते में भोजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आराम से भोजन भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद में आप और कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इन प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने का जो सबसे अच्छा तरीका रहता है, आप यहाँ पर ऑटो या ई रिक्शा बुक कर लीजिए। रोपवे के पास में ही आपको बहुत से ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएंगे, जिसमें आपसे 300 से 400 रुपए का चार्ज करते हैं और आपको 7 से 8 प्रमुख मंदिरों में दर्शन कराने के बाद में जहाँ पर आप कहेंगे वहाँ पर आपको ये लोग ड्रॉप कर देते हैं। तो चलिए, ऑटो या ई रिक्शा बुक करने के बाद में सबसे पहले हम लोग चलेंगे आला उद्धव जी के अखाड़े में। इसी अखाड़े में आला उद्धव जी कुश्ती किया करते थे। दोस्तों, ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ से आपको माता रानी का पावन मंदिर भी दिखाई देता है। वहीं यहाँ से कुछ ही दूरी पर आला मंदिर और तालाब स्थित है। तो चलिए, अब हम लोग चलेंगे आला मंदिर में दर्शन करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हरे भरे वातावरण में यहाँ पर आला जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर माता रानी और आला जी की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ यहाँ पर आप आला जी की तलवार और खड़ाऊ भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। मंदिर के पीछे ही तालाब बना हुआ है। पूरे ही तालाब में कमल के फूल आपका मन और दिल जीत लेंगे, जिसको देखकर आपको बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। ऐसा कहते हैं माता रानी के लिए इसी तालाब से कमल के फूल जाते हैं। आप यहाँ पर अपना कुछ समय जरूर व्यतीत करिए, आपको यहाँ पर बैठकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर कुछ देर समय बिताने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्लेस पर। हम लोगों का अगला प्लेस है मैहर देवी पार्क, जो मैहर मंदिर मार्ग पर ही बना हुआ है। बच्चों के लिए ये पार्क एक पिकनिक स्पॉट है। बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ है। यहाँ पर आप कुछ देर एंजॉय जरूर करें, यहाँ पर बैठकर आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो चलिए, इस पार्क में कुछ देर एंजॉय करने के बाद में अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्लेस पर, जो है बड़ा अखाड़ा मंदिर, जो यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मंदिर के ऊपर ही विशाल शिवलिंग स्थापित है। साथ ही साथ मंदिर के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ 108 शिवलिंग भी स्थापित हैं। मंदिर के अंदर आप महादेव जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा मंदिर है, आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को जरूर शामिल करिए। साथ ही साथ पास में ही गणेश मंदिर भी बना हुआ है, आप गणेश मंदिर में गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सामने अखाड़ा भी बना हुआ है, जहां पर आप बहुत से देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे प्राचीन गोलामठ मंदिर। ये शिव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप इस मंदिर की शैली और वास्तुकला देखकर इस मंदिर का महत्व समझ सकते हैं कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। यहाँ पर आप महादेव जी के दर्शन करिए, महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। दोस्तों, आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को जरूर शामिल करें, मैक्सिमम लोग यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। तो चलिए, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रमुख मंदिर में।
हम लोगों का अगला प्रमुख मंदिर है बड़ी माई मंदिर। दोस्तों ये मंदिर माता शारदा की बड़ी बहन जी को समर्पित है, ऐसी मान्यता है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद में ही आपकी मैहर यात्रा पूरी मानी जाती है। यहाँ पर आप बड़ी माई के दर्शन कर सकते हैं, भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक बावली भी बनी हुई है, वहाँ पर भी आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी माई मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे ओइला माता मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये मंदिर भी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर माता रानी की विशाल प्रतिमा स्थापित है, साथ ही साथ गणेश जी, शिव जी और भी बहुत से देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। दोस्तों यहाँ पर प्राचीन कुआं भी बना हुआ है जिसमें आप बड़े बड़े कछुओं का जोड़ा भी देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा स्थान है, आप यहां पर दर्शन करने जरूर आइए। इसके बाद में हम लोग चलेंगे इच्छा पूर्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत शैली में बना हुआ है। शाम को ये मंदिर लाइट में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, लाइट में इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। अगर आप शाम को यहाँ पर आते हैं तो आप इस मंदिर की खूबसूरती को और भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के अलावा आप यहां पर नीलकंठ मंदिर में भी दर्शन करने जा सकते हैं, जो मैहर मंदिर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों ये सभी यहां के प्रमुख मंदिर थे जिसको मैंने आपको दिखाया और बताया है। आप इन मंदिर में दर्शन करने जरूर जाइए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आपको मैहर का कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप सुबह जल्दी आ जाते हैं तो आप आराम से मंदिर में दर्शन करने के बाद में सभी प्रमुख स्थानों पर भी दर्शन कर सकते हैं, और उसके बाद में आप शाम वाली ट्रेन से अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। वहीं आप अगर चाहें तो एक नाइट का स्टे भी यहां पर कर सकते हैं। आप एक नाइट स्टे करके माता रानी के मंदिर में दर्शन करने के बाद में सभी प्रमुख मंदिरों को और भी अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, और उसके बाद में आप दोपहर वाली ट्रेन या शाम वाली ट्रेन से अपने घर के लिए भी वापसी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, बजट की। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आते हैं, साथ ही साथ आप रोप वे या पैदल यात्रा करते हैं और सभी प्रमुख मंदिरों में भी घूमते हैं, और घूमने के बाद में आप रात में अपने घर के लिए वापसी कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि मात्र 1500 से 2000 के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं दोस्तों अगर आप यहां पर नाइट स्टे करते हैं तो आप मान के चलिए कि लगभग 2000 के बजट में आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं दोस्तों आप अगर अपनी प्राइवेट कार या फ्लाइट से आते हैं, साथ ही साथ बहुत ही वीआईपी होटल में स्टे करते हैं, फिर जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से अपनी इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको मैहर देवी जी की यात्रा और दर्शन की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही सही और अच्छे से बताने की पूरी कोशिश की है। मैंने हर एक क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने चैनल यात्रा मित्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करिए। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।